वो जो कहते हैं हो नहीं सकता वो मुझे जानते नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गजल बॉयज अब तमाम लोगों को कहते हैं खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस इज ट्रिविया पाकिस्तान का पहला लाइव मोबाइल ऐप गेम शो और जीतो ने अंदाज से अब तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, ये जो बात मैंने पहले कही कि वो जो कहते हैं हो नहीं सकता वो मुझे जानते नहीं, वो हमें जानते नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं कुछ ग्रुप्स और कुछ जगह जो है विजिट करता हूँ, आज भी लोगों को कहने का डाउट लगता है कि यार क्या ये ऐप रियल है, क्या यहाँ पर वाकई पैसे लोग जीतते हैं, क्या ये जो कहते हैं ये वाकई सच है। तो मेरी जान, दिस इज 110% ट्रू थिंग, ये बिल्कुल हकीकत में अपनी बात है कि ट्रिविया पाकिस्तान का पहला लाइव मोबाइल ऐप गेम शो है जिसमें लोग पैसे जीतते हैं और हम लोगों में पैसे बांटते हैं, लेकिन पैसे बांटते इज नॉट द राइट वर्ड हियर, बट हाँ लोग जीतते हैं। इट्स फर्स्ट लाइव ट्रिविया गेम शो इन पाकिस्तान, ठीक है, और फिर साथ साथ इट्स अ क्विज वैसे, जो हम शायद लोगों को ट्रिविया कुछ उस तरह से समझ में ना आया, थोड़ा लोगों के लिए थोड़ा हो के यार व्हाट इज ट्रिविया, शायद लोगों ने कभी पहले सुना नहीं है, तो लोगों के लिए शायद ये थोड़ा मुहिमा टाइप हो, थोड़ा उनके लिए हब्बा टाइप हो कि यार ये क्या है ट्रिविया। इट्स अ क्विज, चलो आसान लफ्जों में आपको बोल रही हूँ, इट्स अ क्विज शो, ठीक है। तो अब इन लोग जिन लोगों ने हमें आज पहली बार ज्वाइन किया आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। रोजाना रोजाना के शो में डेली बेसिस पे हमें नए यूजर्स भी ज्वाइन करते हैं जिनको नहीं आइडिया हाउ टू प्ले, जिनको नहीं मालूम कैश आउट कैसे रिक्वेस्ट करना है, कैश आउट कैसे हासिल करना है, कैसे पैसे जीतेंगे। मोस्टली लोग कहते थे भाई मैंने 20,000 रुपए जीते, मेरे अकाउंट में 10 रुपए हैं, ठीक है। सो उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है माय डियर फेलोस के हम हमारी गेम शो की जितनी भी प्राइज मनी होती है वो लास्ट एट द एंड ऑफ द शो जितने भी लोग सही आंसर करते हैं उनमें बराबर बराबर तकसीम कर दी जाती है। ठीक उसी तरीके से हर सवाल पे इनाम भी हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हर सवाल पे पैसे जितने पैसों का सवाल होता है जितने लोग उसका सही आंसर करते हैं वो तमाम तर प्राइज मनी उन सही आंसर देने वालों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ठीक है। तो कीप दिस इन योर माइंड फॉर नेक्स्ट, ठीक है। आइए अब हम कुछ अनाउंसमेंट्स की जानिब बढ़ते हैं। कल के शो में हमने एक अनाउंस किया था, अनाउंसमेंट दी थी वो ये थी कि आप 3 कंसेक्यूटिव शो अगर खेलते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या पूरा शो देखते हैं तो आपको 1 अदद लाइफलाइन मिल जाएगी, ठीक है। और ये जब भी खेलना चाहें, लेकिन 3 कंसेक्यूटिव शोज अगर आप एक ही मोबाइल नंबर से खेलते हैं या आप देखते हैं और पूरे शो के एंड तक आप साथ रहते हैं, ठीक है, तो 1 लाइफलाइन आप अर्न कर पाएंगे, 1 लाइफलाइन आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। सो लाइन्स ओपन है और आज से लेकर आज रात 12 बजे से लेकर ठीक नेक्स्ट आने वाले तमाम दिनों में, अभी फिलहाल ये रेगुलर बेसिस पर रहेगा, आप जब भी 3 गेम शोज खेलेंगे या उसमें पार्टिसिपेट करेंगे गेम शो के एंड तक तो आप 1 लाइफलाइन जो है उसको अर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वन मोर थिंग दैट इज कि कल हमारा नॉर्मल शो होगा जो होगा 20,000 रुपए के लिए, वैसे हमारा थर्सडे को होता है सरप्राइज बॉक्स, लेकिन कल हमारा रूटीन शो नॉर्मल शो होगा जो कि होगा 20,000 रुपए के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। एक और बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे पावरअप्स के हवाले से कि पावरअप्स को जल्दी जल्द जो है उनको परचेज कर लीजिए ताकि आप दुराने गेम उनको यूज कर सकें और उसके बाद आप उनसे फायदा उठा सकें। देखिए हमारा 50-50 हमारा पावरअप है हमारा जिसका यूज ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ +5 या जिसको प्लस टाइम का नाम दिया गया है वो हमारा एक पावरअप है। उसके साथ लाइफ लाइन यस ऑफ कोर्स के लाइफ प्लान हमारी बहुत ही स्ट्रांग पावर अप है जिसका इस्तेमाल करके अगर आप एक आंसर गलत भी कर देते हैं तो आप इलिमिनेट नहीं होते, आप अगले सवाल को खेल पाते हैं। और इसी तरह से हमारा सबसे जो जबरदस्त पावर अप है वो है 50-50 गोल्ड जो कि आखिरी सवाल पे भी इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअली लाइफ लाइन जो है वो पहले 9 सवालों में इस्तेमाल होती है लेकिन आखिरी सवाल पे इस्तेमाल नहीं होती, ठीक उसी तरीके से जो 50-50 है वो भी पहले सवाल में इस्तेमाल होता है लेकिन 50-50 गोल्ड आखिरी सवाल पे इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि 2 गलत ऑप्शन में से 1 गलत ऑप्शन को निकाल देता है और फिर 2 ऑप्शन बचते हैं, ऑफकोर्स 1 ही उसमें ऑप्शन है जो बिल्कुल सही होगा और आप उसको बिल्कुल सही सिलेक्ट करेंगे। वेरी गुड जी। सो इन तमाम अनाउंसमेंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दैट इज कि कमिंग संडे 16 जून 2019 ऑफकोर्स हम एक बहुत जबरदस्त शो लेकर के आ रहे हैं और हमने कुछ नया पैटर्न ऐड किया है कुछ शोज में और उसमें हम एक नए फॉर्मेट के साथ आ रहे हैं। बहुत सारे हीरोज को हमने बहुत सारी जगहों को हमने शोज में ऐड किया है और पूरा शो उनको डेडिकेट किया है। सो दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि व्हाई नॉट हम वीकेंड पे हम जो रियल जो हमारे जीते जागते हीरोज हैं उनको भी खराज तहसीन दें, ठीक है। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, उनकी जो जर्नल जिंदगी है या उनका जो जो पर्दे पर जो नजर आते हैं उससे हटकर उनकी जिंदगी क्या है उस बारे से उससे रिलेटेड हम लोग सवाल ऐड करें और एक प्रॉपर शो उनको डेडिकेट करें। तो कमिंग संडे हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, उसके बाद फिर हमारे जो करंट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान हमारे अपकमिंग सेलिब्रिटी ऑफ द वीक, ये ट्रिविया सेलिब्रिटी ऑफ संडे 16 जून 2019
इमरान खान साहब की लाइफ पर बेस्ड एक शो है और वो संडे शो आप लोगों ने हमारे साथ खेलना है। सारे सवालात इनकी जिंदगी से रिलेटेड होंगे, थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ भी होगी और उनकी थोड़ा यू नो प्रोफेशनल लाइफ से हटकर जो उनकी जिंदगी है उससे रिलेटेड भी सवालात होंगे, लेकिन तमाम तर क्वेश्चंस उनकी लाइफ से इस तरह से रिलेटेड होंगे जो आप लोग बखूबी जानते हैं, जो आपको सोशल मीडिया पे उनकी लाइफ का पता है, जो उनके पर्सनल इंटरव्यूज आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मिल जाएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आप यूट्यूब वगैरह सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं इनके बायो इजिली आपको वहां से मिल जाते हैं। तो आप इनकी लाइफ को प्रॉपर स्टडी कीजिएगा और कमिंग संडे इमरान खान साहब की जिंदगी पर स्पेशल शो जो है वो ट्रिविया डेडिकेट कर रहा है। सो मस्ट प्ले दैट शो और उसको खेलना मत भूलिएगा। सो दिस दैट वाज द वेरी ह्यूज अनाउंसमेंट ऑफ अपकमिंग संडे शो। सो प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी और आपको बताते चलेंगे फिलहाल हमारे आज के शो की प्राइस मनी क्या है। आइए देखते हैं कि आज के शो की प्राइस मनी क्या है। So my dear fellows, we are back. Thank you very much, Baba Shukriya. This is me, yes, your host, Adwana Bobby. Baba Shukriya for joining us. And of course, ke aapko malum hai ke tonight is Wednesday aur hum hamesha Wednesday night ka hamara super television show hota hai jisme hum 100, 200, 300, 500 television show karte hain aur guzashta kuch 2-3 weeks se hum log kar rahe hain 100 super television. So aaj ka bhi hamara show hai 100 सुपर ट्रिविजन। ठीक है, और 100 सुपर ट्रिविजन खेलने का तरीकाकार जो लोग नहीं जानते उनको एक रिमाइंडर दे देते हैं कि 100 या लेस देन 100 जैसे ही हमें विनर्स मिलते हैं किसी सवाल पे तो उस वक्त शो खत्म हो जाता है और सारी की सारी प्राइज मनी उन लोगों में बराबर बराबर तकसीम कर दी जाती है। ठीक है, सो 100 सुपर ट्रिविजन आज का हमारा गेम शो है और आज देखेंगे कि कितने लोग आज तकरीबन हमारे साथ 17,000 के करीब लोग मौजूद हैं। सो कौन कौन आज सारे सवालात को सही खेलता है और फाते करार पाता है और 100 सुपर ट्रिविजन में अपनी जगह बनाता है, आइए मिलकर देखते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पॉपअप को जरा गौर से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। इनमें से कौन सी मशीन नकद रकम फराहम करती है, वॉशिंग मशीन, स्विंग मशीन या एटीएम मशीन? ऑलराइट, वी आर बैक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा थोड़ा आज थोड़ा प्रोफाइल पोस्चर नहीं है, ठीक है। सो आप लोग कह रहे होंगे यार टेढ़ा क्यों खलोता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, यू नो वैसी आई थॉट के चलो थोड़ा डिफरेंट एक पोस्चर के साथ आप लोगों से प्रोग्राम में जो है वो दू बदू होते हैं। ठीक है, सो आई होप के आप लोग पहला सवाल कोर्स बिल्कुल सही खेलेंगे क्योंकि आंसर बहुत आसान है और पहला सवाल ही इनफैक्ट बहुत आसान है। अच्छा, 10 सवालों की जो सीढ़ियां हैं उसमें ऑफकोर्स आप जानते हैं कि 3 लेवल होते हैं हमारे, एक सुपर ईजी, आप इसको सुपर इजी नहीं कह सकते, आप इसको इजी कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज इजी, फिर आता है थोड़ा यू नो लिटिल हार्ड या मीडियम हार्ड उसको कह सकते हैं, और फिर एक दो सवाल होते हैं जो थोड़ा सा आपको मेंटली डिस्टर्ब जरूर करते हैं और ऐसी ही जगहों पर आपके जो पावर अप्स हैं वो आपको यूज करने चाहिए, जैसे कि जहां पर आपको कंफ्यूजन लगता है कि यार ये आंसर मुझे नहीं आता तो वहां पर आप 50-50 का पावर अप इस्तेमाल कीजिए, एक गलत ऑप्शन निकल जाएगा, दो ऑप्शन में से ऑफकोर्स एक ऑप्शन ही सही होगा और आपके लिए बहुत आसानी से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप साथ में +5 का पावर अप भी इस्तेमाल करते हैं तो 10 सेकंड से 15 सेकंड हो जाएंगे, सिंपली गूगल करें, मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और आंसर सेलेक्ट करें और उसको वहां से ढूंढें, सर्च करें और फौरन से आंसर पंच कर दें। ठीक है, तो पावर अप के इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही चुना और कौन बनेंगे सवाल नंबर 2 के लिए। द राइट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन, ऑफकोर्स नकद रकम जो मशीन फराहम करती है वो है एटीएम मशीन। 15,701 लोगों ने इस आंसर पंच किया एंड ऑफकोर्स कोई 200 के लोगों ने बाकी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। वेरी वेल, वेल प्लेड, अच्छा है, पहला सवाल आप लोगों ने सही खेल लिया है और तकरीबन 150 लोगों ने गलत खेला, 200 ने, कोई बात नहीं, आप पलट कर वापस आइएगा। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता है, पॉपअप को गौर से पढ़िए। थैंक यू। इनमें से कौन सा बर आजम रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है, एशिया, अफ्रीका और एंटार्क्टिका? ओके, वी बैक, सो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ट्रिविजन्स का, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आप हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड जो लोग हैं ऑफकोर्स उनको हम इन शेप ऑफ मनी एंटरटेन जरूर करते हैं, लेकिन वो जो लोग जो मुल्क से बाहर हमारे साथ हैं वो यू कैन प्ले फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपको ज्ञान मिल रहा है वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, तो आप जरूर खेला करें। और इनफैक्ट जो आपकी पार्टिसिपेशन है, जो आपका फीडबैक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताया कीजिए। हमारा पेज ऑफिशियल फैन पेज फेसबुक पर मौजूद है ट्रिविया के नाम से, ठीक है। इसके अलावा हमारा ट्विटर एंड इंस्टा ट्रिविया के नाम से मौजूद है, जहां भी आपको इजी लगे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हाय दिस इज मी ब्ला 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 और मैं हूं फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, एंड आई लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, एंड आई डोंट लाइक दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो आप इस तरह की चीजें ऐड किया करें, वो बहुत अच्छा लगता है हमें। फिर सवाल नंबर दो का राइट आंसर आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। राइट ऑप्शन ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स, एशिया जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा बरआजम है। 11,973 लोगों ने इसे आंसर पहुंच किया और ऑलमोस्ट कोई 4,000 के करीब लोगों ने बाकी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। इट वॉज लाइक 4,000 राइट, 4,000 के करीब लोग, ओके वेरी गुड, वेरी गुड जी, अच्छा है, कोई बात नहीं। आज का शो हमारा 100 सुपर ट्रिविजन है और 20,000 रुपए का कैश प्राइज है। लेट फाइंड आउट कि कौन कौन जीतता है और कौन आज के शो की बाजी मारता है। सवाल नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर, गौर से पढ़िए सवाल क्या है। मशहूर ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर क्या है, अवार्ड, मूवी या बुक? अच्छा वैसे रोल ऑफ ऑनर इज द वर्ड जो कि आपने यूजुअली सुना होगा कहीं ना कहीं, ऑफकोर्स जब आप टीवी शोज देखते हैं, जब आप अवार्ड शोज देखते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपको रोल ऑफ ऑनर जो है वो वर्ड फिर भी कहीं ना कहीं सुनने में आता है। बट ग्लोबल 500 देन द रोल ऑफ ऑनर, ये एक ऐसा ऑफकोर्स वर्ड है जो शायद आपने कंप्लीट ना सुना हो। लेकिन भाई आप लोग अच्छी तैयारी करते हैं, आई नो कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, जो जितने भी सेगमेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, खा वो स्पोर्ट्स है, खा वो यू नो साइंस है, खा वो कोई भी सेगमेंट है हमारा, ठीक है, वो हम लिटरेचर ले लें, वो हम हिस्ट्री ले लें, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक, सवाल नंबर तीन का राइट आंसर आइए देखते हैं। राइट आंसर ऑफ कोर्स द फर्स्ट ऑप्शन, यस, मशहूर ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर एक अवार्ड है, ठीक है। 8,252 लोगों ने आंसर पंच किया और तकरीबन 4,000 ने गलत आंसर पंच किया है। नो प्रॉब्लम, इट वॉज लाइक 70-30 है ना, कुछ 70-30 का मार्जिन था, खैर ओके, नो वरीज, बहुत सारे लोग अभी लाइफ लाइन का यूज करेंगे और वापस आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास पावर अप है तो उसका यूज कीजिए, अदरवाइज हम लोगों ने तो आज से लाइंस ओपन कर दी हैं। आप 3 कंसेक्यूटिव शोज खेलते हैं या उनमें पार्टिसिपेट करते हैं या उनको देखते हैं, अगर आप लेमिनेट हो भी गए हैं आप पूरा शो देखें, ठीक है, आप 3 लगातार शोज देखेंगे टिल एंड ऑफ द शो तो फिर आपको एक लाइफलाइन फॉर फ्री मिलेगी, ठीक है। तो लाइफलाइन अर्न करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं कि क्या है। मशहूर अवार्ड ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर कब कायम किया गया था, 1980, 1987 या 1999? हाँ, वेल वी आर बैक, फीडबैक इज रियली इंपॉर्टेंट। आज ट्रिविया क्विज नहीं था, आज की बर्थडे अनाउंसमेंट भी नहीं थी ना, आज कोई बर्थडे अनाउंसमेंट भी नहीं थी, आज कोई एनिवर्सरी भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको फिर भी तहे दिल से आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं, आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं, फिर आपको हैप्पी एनिवर्सरी कहते हैं, साल के जितने भी दिन गुजर गए और होप के बहुत खुशो इखलाक के साथ गुजरे होंगे और मुस्कुराते हुए गुजर गए होंगे, और आने वाले दिन भी मैं ये दुआ करता हूँ कि जितने भी साल आप एक दूसरे के साथ बिताएं, ये वो लोग हैं जिनकी एनिवर्सरी है, ठीक है, वो बहुत खुशी के साथ मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ गुजारें, ये मेरी दुआ है। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कि कितने लोगों ने सही चुना है। ऑप्शन 1987 में ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर जो अवार्ड है इसका कायम किया गया था, 5,865 लोगों ने आंसर पंच किया एंड ऑफ कोर्स 3,000 प्लस लोगों ने बाकी ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है। नो प्रॉब्लम, अगेन 70-30 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, 70% लोग सही आंसर दे रहे हैं, 30% लोग गलत आंसर दे रहे हैं, पर इसी तरह से लोग इलिमिनेट होते जाएंगे और जो अच्छा खेल रहे हैं वो जीत के और पास आते जाएंगे। सवाल नंबर 5 बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है, लेट्स फाइंड आउट क्या है। एमएनसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां वाकई है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या लंदन? ओके ओके, सवा शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, हम रोजाना रात 10 बजे होते हैं, बहुत सारे लोग शायद हमें रमजान के दौरान भी हमें ज्वाइन करते रहे हैं, रमजान में हमारी टाइमिंग 11 बजे की थी, लेकिन जो हमारी रूटीन टाइमिंग है, जो रेगुलर टाइमिंग, जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है, वो हमारी 10 बजे रात होती है,
वैसे हम बीच बीच में 8 बजे वाला शो भी करते हैं और कभी कभी किसी और टाइमिंग के साथ भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हम आने वाले दिन में कुछ नई चीजें लेकर के आ रहे हैं, जरूर उसमें पार्टिसिपेशन दीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा अपकमिंग संडे शो जो है वो होगा इमरान खान साहब की पूरी जिंदगी पर बेस्ड। 10 सवाल होंगे, बहुत आसान सवाल होंगे, ठीक है। इमरान खान पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है, कौन नहीं जानता इन्हें, फिर पीटीआई के सरबराह हैं और फिर हमारे मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम कोर्ट्स, ठीक है। सो ये तीन चीजें जो है इनके साथ जुड़ती हैं, फिर इनकी बड़ी एक डेडिकेशन है अपने इस मुल्क के साथ और ओवरऑल अपनी क्रिकेट लाइफ में, फिर अपनी पॉलिटिशियन एज अ पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स की लाइफ में क्या क्या चीजें इनके साथ अटैच्ड हैं और अपनी जवानी में ऑफकोर्स जब कहां से पढ़े हैं, फिर क्या क्या स्पोर्ट्स इन्होंने खेले हैं, किस किस तरह से इन्होंने अपनी खिदमत सरंजाम दी है, वो तमाम सर चीजें आपको सवालात की सूरत में मिलेंगी। आप इनकी बायोग्राफी पढ़ लीजिए, इनकी लाइफ को पढ़ लीजिए, ताकि जो इनकी जिंदगी पर बेस्ड शो है उस पर खेलने में आपको बहुत आसानी हो। सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट होगा सवाल नंबर 5 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कि क्या है। यस, थर्ड ऑप्शन द राइट आंसर, इमेंसिटी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर जो है वो लंदन में वाकई है। 2965 लोगों ने सही आंसर पंच किया एंड ऑलमोस्ट 3000 अगेन लोगों ने गलत आंसर दिया। यार गलत आंसर देने वाले बड़े बराबर बराबर आ रहे हैं ना, पिछले 3-4 सवालों से जो गलत आंसर देने वाले तकरीबन 30% के राउंड है, 3000 गलत आंसर दे रहे हैं, बट इस बार सही आंसर देने वाले लोगों की तादाद थोड़ी कम हो गई है। नो वरीज माय डियर फेलोस, सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, गौर से पढ़िए सवाल नंबर 6 क्या है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी NDU का मौजूदा सदर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज या लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा। सो बहुत शुक्रिया, ये सवाल भी अपनी एक तरह का अपनी नोयत का डिफरेंट क्वेश्चन है। आज वैसे कुछ मुसन्निफ के बारे में हमने एक दो सवाल जो लिखने वाले हैं, लेखक हैं, राइटर्स हैं, उनके बारे में भी दो सवाल हमने ऐड किए हैं और इस तरह से हमने कुछ जो हमारी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में जो अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनसे रिलेटेड भी सवाल हैं। दैट्स रियली गुड, अच्छा है, हर तरह के सेगमेंट को कहीं ना कहीं हम लोग एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि तमाम सर एक जो बुके है आपको ट्रिविया की स्क्रीन पर एक बुके की सूरत में क्वेश्चन मिले। देखिए जैसे आपके हाथ में बुके होते हैं उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं फूलों के, लाल, पीला, नीला, हरा, ठीक है, और काला भी, पिंक भी, ठीक है, और ठीक उसी तरीके से ट्रिविया का ये जो गेम शो है ये एक बुके जैसे है जिसमें मुख्तलिफ सवालात बड़े रंग बिरंग से सवालात होते हैं जो हर तरह से आपको एंटरटेन करते हैं। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कि क्या है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज अजी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मौजूदा सदर, 444 लोगों ने सिर्फ इसका सही आंसर पंच किया है और तकरीबन 3000 के करीब लोगों ने बाकी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। ये महाराज का सबसे हो गया पहला वट के रख देने वाला सवाल। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, अगर आप इलिमिनेट हो भी गए हैं तो जो हमारा लाइफलाइन का पावर अप है उसे इस्तेमाल कीजिए और गेम में आगे बढ़िए, ठीक है। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, लेट्स फाइंड आउट क्या है। पाकिस्तान कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप का रनर अप रह चुका है, 1, 2 या 3। ओके, सो वी आर बैक। हॉकी ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नेशनल गेम, ठीक है, और जहां पे बात की जाए क्रिकेट की तो आज भी वर्ल्ड कप चल रहा है और पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज का बड़ा जबरदस्त मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन किए और पाकिस्तान को 307 रन का हजफ दिया, जो कि थोड़ी अनएक्सपेक्टेडली पूरा ना हो सका, ठीक है। तकरीबन 30 के 35 के रन के करीब जो है वो स्कोर रहता था और पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। खैर थोड़ा सहारा देने की कोशिश की है वहाब रियाज ने और सरफराज ने, लेकिन कुछ टेल एंडर्स एट द एंड कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। खैर इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ऑफ कोर्स जो अच्छा खेलता है वही आगे बढ़ता है और ये मैदान है जिसमें सब लोग अपना एफर्ट कर रहे हैं और अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो चाहे टीम कोई भी हो, आप अगर अपना बेस्ट देते हैं तो आप यकीनन कामयाबी की जानिब बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो जिंदगी का कोई भी मैदान हो, ठीक है। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कि क्या है। ऑफ कोर्स जी, पाकिस्तान 2 बार वर्ल्ड कप का रनर अप रह चुका है और 2046 लोगों ने इसे आंसर पंच किया, वेरी वेल, इट्स 246 लोगों ने इसे आंसर पंच किया और तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दिया है, इट वॉज 246 जिन लोगों ने सही आंसर दिया। खैर इट्स ओके, वेरी वेल, अच्छा है, मुझे लग रहा है कि ये सवाल हमारा सवाल नंबर 9 होगा आज का आखिरी सवाल, क्योंकि खेलने वाले हमारे पास को 200-300 के करीब रह गए हैं,
फिलहाल सवाल नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। मशहूर किताब दी स्टैंड का मुसनिफ कौन है, जेम्स पीटरसन, स्टीफन किंग या जेफ किने? ओके, अच्छा है। अब इन जो किताब बिनी से मुंसलिक हैं और वो लोग जो बुक रीडिंग बहुत शौक से करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज की ये बातें हैं, और ऑफ कोर्स हम उन्हीं राइटर्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और देर इज अ स्ट्रांग लॉजिक बिहाइंड देयर रिटन स्टफ। कहीं ना कहीं बहुत बहुत अच्छी, बहुत लाइफ से रिलेटेड और बहुत जिंदगी के बहुत करीब और हकीकत पर मबनी चीजें उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी हैं, तो हम उन्हीं लोगों को ऐड करने की कोशिश करते हैं ताकि आप जब उनको, जैसे कि अभी हमने ये एक सवाल ऐड किया है, तो आप इनको पढ़िए, ठीक है, और पढ़कर फिर आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत लिखते हैं। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कि क्या है। ऑफ कोर्स स्टीफन किंग है जी, दी स्टैंड के मुसन्निफ। 207 लोगों ने इस आंसर पंच किया एंड ऑफ कोर्स 100 प्लस लोगों ने गलत आंसर दिया है। वेरी वेल, कांटे का मुकाबला हो रहा है जी इस टाइम, और ये दूसरा सवाल है जिसमें 200 प्लस लोगों ने गलत आंसर दिया है, सही आंसर दिया ऑफकोर्स, और तकरीबन कई लोगों ने गलत आंसर दिया है, ठीक है, अच्छा चल रहा है। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये भी सवाल आप लोग खेल पाएंगे और सवाल नंबर 10 तक पहुंचेंगे, बहुत कांटे का मैच चल रहा है। फिलहाल सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, कौन सा साल माजूर अफराद के बैन अल-अक़वामी साल के तौर पर मनाया गया था, 1921, 1951 या 1981? ओके, चलो ये भी एक अच्छा सवाल है अपनी नौयत का, हम फादर्स डे, मदर्स डे, लेबर्स डे, चाइल्ड डे, ठीक है, ये सारे दिन तो मनाते हैं, तो मजदूरों के लिए कौन सा दिन है, और ये भी एक अपना अपनी नौयत का बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। देखिए कहीं ना कहीं तो हम जो है खासकर जो सोशल वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो किसी की फलाह बहबूद के लिए है, किसी के लिए, किसी की बेहतरी के लिए है, जिंदगी में आप जब भी कोई काम करते हैं तो जब आप किसी के लिए करते हैं उसमें बहुत एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो जिससे आपका ज़मीर बड़ा मुतमईन होता है, जिससे आपको बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, कि आपने किसी की गायबाना तरीके से मदद की, और कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, ये एक बात है। आप जिंदगी में जब भी किसी के लिए कोई भला करें तो कहते हैं ना कि एक हाथ देते दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह से दूसरों की मदद कीजिए। फिलहाल समारोह 9 का राइट आंसर, आइए देखते हैं 17,372 लोगों में से कितने लोग सही खेले हैं। यस, 1981 में माजूर अफराद के बैन अल-अक़वामी साल के तौर पर मनाया गया। ओके, वेरी गुड, 168 लोगों ने आंसर पंच किया, और तकरीबन 50 के करीब लोगों ने गलत आंसर दिया है, बहुत अच्छा है, वेरी वेल, बहुत अच्छा है। ये जो हमारे लास्ट टेल एंडर्स होते हैं, ये भी हमारे शो के भी टेल एंडर्स होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना, जो इतने लोगों को मात देकर फिर बहुत एक मुकाबला चलता है सब में, और कहीं ना कहीं कोई चूक जाता है या किसी से जो है वो गलत आंसर पंच हो जाता है या कोई कंफ्यूज हो जाता है, तो ऑफकोर्स यहां पर फिर जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है वो जीत जाता है। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं कि क्या है। अक़वामे मुत्तहिदा के वर्ल्ड 2019 हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का दर्जा क्या है, 67th, 117th या 154th? ओके, आई थिंक सो ये सवाल भी हम शायद कहीं पहले कुछ इस तरह का पूछ चुके हैं। मुझे वाइब्स हमेशा आती रहती है कि यार जैसे ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूं। खैर, इट्स ओके, ये सवाल भी अच्छा है। पाकिस्तान कहां पे स्टैंड कर रहा है, चलो आपको पता तो चले, चलो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, तो वर्ल्ड इंडेक्स में पाकिस्तान का जो है वो कहां, कौन सा दर्जा है, किस नंबर पे है, आइए देखते हैं कि कितने लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं भी जानते कोई बात नहीं, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच रही है, इसको सेव रखा करें, ये आपके लिए और आपके इर्द गिर्द लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। और जाते जाते एक बार फिर से आपको रिमाइंडर देता हूं कि 3 कंसेक्यूटिव गेम्स खेलने से या उनमें पार्टिसिपेट करने से या पूरा शो देखने से आप एक लाइफ लाइन हासिल कर सकते हैं, तो इस मौके से जरूर फायदा उठाइए, 3 कंसेक्यूटिव शोज देखिए या खेलिए और हासिल कीजिए लाइफ लाइन। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कि कितने लोगों ने सही चुना, मुझे लग रहा है कि यह हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन हो चुका है। OMG, 67th है जी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, जो कि 2019 के मुताबिक पाकिस्तान का दर्जा 67th है। 138 लोगों ने आंसर पंच किया, बाकी लोगों ने गलत आंसर दिया है। वेरी वेल, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा हो गया, लेकिन अब जो है ना बात अब आगे बढ़ गई है, और जो कि पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं कि कौन लोग खेलेंगे सवाल नंबर 11।
किताब गेम चेंजर किस मशहूर क्रिकेटर की स्वाने उमरी है, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम या वकार यूनिस? अरे भाई कौन लोग हो तुम, हार नहीं मान रहे आज तो, है ना? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत हाजिर दिमाग के साथ आप लोग खेल रहे हैं और ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन नॉट इन इवन इन दिस गेम, इनफैक्ट जिंदगी के हर काम में जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस पर आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी डायरेक्शन को हमेशा स्ट्रेट रखता है। ठीक है, आप लेफ्ट राइट नहीं होते, आप डी ट्रैक नहीं होते, आप हमेशा आप स्ट्रेट यू नो अप टू द मार्क रहते हैं और आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नजर आ रही होती है, वो आपका फोकस आपकी फाइनल डेस्टिनेशन को क्लियर करता है। इसलिए लाइफ में जो भी आपने करना है हमेशा उसका फोकस रखिए और उस पर फोकस रखिए और हमेशा वो जो फोकस है आपका वो आपको कामयाबी की जानिब लेकर के जाता है और दिस इज द की ऑफ सक्सेस, वन ऑफ द की ऑफ सक्सेस यू कैन से। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट सवाल नंबर 11 का राइट आंसर, कितने लोगों ने सही चला? ऑफ कोर्स शाहिद अफरीदी है जी, गेम चेंजर। शाहिद अफरीदी साहब की इस्वाने उमरी है, ऑफ कोर्स उनकी जिंदगी पर लिखी गई है और 137 लोगों ने 66 पंच किया, पिछला सवाल 138 ने खेला, अभी 137 ने खेला, वेरी वेल यार, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सवाल को गौर से पढ़िए, आज आपने हिम्मत नहीं हारनी। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन से मुल्क में कोई दरिया नहीं है, शाम, उर्दन या सऊदी अरब? आज मुश्किल हो जाने के, ओके ओके मैन, सवाल नंबर 12 अभी फाइनली आप लोगों ने खेल लिया है। बाय द वे दिस सिचुएशन इज रियली अनएक्सपेक्टेड, सोचा नहीं था कि यहां तक आप पहुंचेंगे, क्योंकि पहले भी जितने हम गेम्स खेलते हैं उसमें तकरीबन अब 8-9 सवाल तक आप लोग ढेर हो जाते हैं और गेम खत्म हो जाता है, लेकिन सवाल नंबर 12 पे आप लोग मौजूद हैं और आई नो कि ये भी आप लोग सही सवाल खेलेंगे और सवाल नंबर 13 की बारी आने वाली है और इट्स रियली अ टफ टाइम फॉर द टीम। वो लोग जो लेफ्ट राइट इस टाइम मुझे देख रहे हैं वो लोग बहुत जो है इस टाइम सारी सिचुएशन से जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है सबके लिए कि यार कौन लोग हो तुम लोग, पहले से कहता यार भाई रब्ता करो हमारे साथ, हमें तुम लोगों की जरूरत है। ठीक है, सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर कितने लोगों ने सही खेला है, शायद मुझे लग रहा है कि ये सवाल भी आपने बिल्कुल सही खेला है और हम सवाल नंबर 13 की जाने भी बढ़ेंगे, फिलहाल इसका राइट आंसर देखते हैं। देखा, सऊदी अरब है जी, 133 लोगों ने आंसर फंस किया और 6 लोगों ने गलत आंसर दिया है। यार भाई मैच फंस गए, उधर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच फंसा था, पाकिस्तान तो हार गया, लेकिन भाई इस बार आप लोग जो ट्रिविजिया और ट्रिविजिया ट्रिविजन्स के दरमियान ये जो मैच पड़ गया है ये भी भाई इस टाइम फुल फंसा हुआ है और ऑन टॉप है इसकी जो हीट है। सवाल नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, लेट्स फाइंड आउट सवाल नंबर 13, कितने लोग सही खेलेंगे। मशहूर शहर ओटावा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है, ब्राजील, स्पेन या कनाडा? ओके, सो वी आर बैक, बहुत शुक्रिया। हाँ, इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 13 और इसका राइट आंसर अभी आप लोगों ने यकीनन सही चुन लिया होगा और ये भी आप लोग सही खेलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये गेम शो बहुत लंबा जाने वाला है आज का और ये गेम शो अपनी नौयत का आज तक की ट्रिविया की हिस्ट्री का लंबा शो होने वाला है, मुझे ये वाइब आ रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए हमें और वैसे तो हमने 30 मिनट थोड़ा सा 32-33 मिनट तक भी किया हुआ है, लेकिन आई होप सो कि ये शो अभी खत्म हो जाए, लेकिन मुझे जो सुर्तियां नजर आ रही है वो साफ ये बता रही है कि आप बिल्कुल सही खेल रहे हैं और आप लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। फिलहाल सवाल नंबर 13 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही खेला है। ऑफ कोर्स कनाडा इज द राइट आंसर, 130 लोगों ने सही आंसर दिया है और 3 लोगों ने गलत आंसर दिया है, यानी लास्ट क्वेश्चन खेला 133 लोगों ने, अब उसमें से 130 लोगों ने सही आंसर दिया है और 3 लोगों ने गलत आंसर दिया। यार दिस इज रियली सो क्लोज गेम और बहुत मजे का कांटे का मैच हो गया। सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, सवाल को गौर से पढ़िएगा, इनमें से किस पाकिस्तानी अदाकार को शहनशाह जज्बात कहा जाता है, वहीद मुराद, नदीम बेग, मोहम्मद अली? यार दिस इज सो अनएक्सपेक्टेड और ये जो सवालात है आई नो कि आप लोगों ने अब कुछ सवाल ऐसे जो कि आप पहले भी आप खेल चुके हैं, क्योंकि कुछ कहीं कहीं आपके लिए थोड़ी सी दुश्वारी है, कहीं कहीं आपके लिए थोड़ी आसानी है, कहीं ना कहीं हम सवाल को कुछ सवाल को हम जानबूझ के रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोग उनको इजीली खेल सकें। ठीक है, और आपका जो एक मोमेंटम बना हुआ है, जिस कॉन्फिडेंस का जो मोमेंटम है वो बरकरार रहे, ठीक है, इसी तरीके से आपने खेलते जाना है और आज
ये मैच चल रहा है सबके दरमियान, कौन आज का फाते बनेगा? जो भी बनेगा यार, उसको स्पेशली मेरी तरफ से तो कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होगी उसके लिए। मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ स्पेशल लोगों को जरूर दूंगा, ठीक है, जो आज के गेम शो के फाते बनेंगे। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही चुना। मोहम्मद अली है जी, शहंशाह जज्बात, पाकिस्तानी अदाकार जिन्हें शहंशाह जज्बात कहा जाता है। 113 लोगों ने इसे पंच किया और 16 लोगों ने गलत आंसर दिया है। वेरी वेल, अब आ गया है गेम बहुत करीब। हाँ, मुझे लग रहा है कि सवाल नंबर 15 का टाइम आ गया है और शायद ये हमारा आज का आखिरी सवाल हो जाए। सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, सवाल को गौर से पढ़िएगा। आप तमाम ट्रिविजन्स का बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू, थैंक यू। कौन सी फिल्म पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म बनी? अरमान, मौला जट या लोड वेडिंग? ओके, यहां पर जो सीन चल रहा है इस टाइम, बहुत सारे लोग यहां पर यही सोच रहे हैं कि शायद दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन, बट माय डियर फेलोस, ये हमारा सवाल आज का आखिरी सवाल नहीं होगा, ये सवाल भी आगे जाएगा। सवाल नंबर 15 भी आप लोग सही खेलेंगे, मुझे ये वाइब आ रही है, ठीक है। और सवाल नंबर 15 तक जो लोग आ गए हैं ना, वो बहुत गुणी लोग हैं, वो लोग हैं जो कि सुपर सुपर डुपर माइंडसेट के साथ आज मौजूद हैं, जो अच्छा नॉलेज लेकर के बैठे हुए हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, जिनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत ध्यान से खेल रहे हैं, क्योंकि जब आप आंसर पंच करते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे गलत आंसर पंच हो सकता है। बड़े हिसाब से वो आंसर पंच कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं मेरी जान। वेरी गुड, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर, लेट्स फाइंड आउट क्या है। ओके, देखा, अरमान पाकिस्तान की वो पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म है और 105 लोगों ने इस आंसर पंच किया और 12 लोगों ने गलत आंसर दिया। देखा, OMG मैन, OMG, जबरदस्त। सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आज तो मेरा भी इम्तिहान हो गया, यकीन करें आज तो मेरा अपना इम्तिहान है। सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लेट फाइंड सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर क्या है। वर्ल्ड रेडियो डे पहली मरतबा कब मनाया गया? 13 फरवरी 2012, 13 फरवरी 2013 या 13 फरवरी 2014? क्योंकि सिर्फ 4-5 लोगों की गेम है, 100 तो तैयार बैठे हुए हैं ना, क्योंकि देखना 105-106 के करीब लोग हैं जो हमारे आखिरी सवाल खेलने जा रहे हैं। आखिरी सवाल है सेंस के यार, इट्स अ 16th क्वेश्चन, और अभी इसमें से अगर 2-4 लोगों ने गलत आंसर दे दिया तो गेम वाइंड अप हो जाएगी, क्योंकि इट्स 100 सुपर ट्रिविजन, सो 100 और लेस देन 100 पे गेम शो वाइंड अप हो जाता है। लेकिन मुझे फिर वही वाइब आ रही है कि सवाल नंबर 16 भी लोगों ने सही खेल लेना है और हम सवाल नंबर 17 की जानी पड़ेंगे, मुझे लग रहा है। खैर, अब बाकी जो खुदा को मंजूर या वो लोग जो सही खेल रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोराल कितना हाई है और वो किस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, आई नो। फिलहाल हम सवाल नंबर 16 की जानिब बढ़ते हैं। आई नो कि कहीं ना कहीं अफसोस तो होगा कि यार मैं बहुत करीब आ गया था लेकिन मैं एलिमिनेट हो गया, लेकिन मेरी जान इट्स अ गेम। फिलहाल सवाल नंबर 16 का राइट आंसर, आइए देखते हैं क्या। OMG मैन, वर्ल्ड रेडियो डे पहली मरतबा 13 फरवरी 2012 में मनाया गया, 62 लोगों ने सही पंच किया। वेरी वेल यार, 322 रुपए आप लोगों ने जीते हैं, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो 62 विनर्स हैं, यू गाइस आर रियली क्रीम ऑफ ट्रिविजिया, आप लोग ट्रिविजिया के शाहकार हो, आप लोग ट्रिविजिया के राज दुलारे हो, आप लोग ट्रिविजिया के अनमोल रतन टाइप चीज हो, ठीक है। लेट मी एड सम विनर्स नेम जिन लोगों ने आज का गेम शो में नाम किया है, जैसे कि मारिया, आप हमारे साथ मारिया, वेरी गुड, फराज वेरी गुड, सबके नाम शामिल करूंगा, नसीर वेरी गुड, उस्मान वही वेरी गुड, उमर वेरी गुड, एंड मिर्जा है हमारे साथ, उस्मान है, वेट, साबिया हमारे साथ, एंड बलराम है, ओके, अमीर हमारे साथ, इसके अलावा जी अलीहा है, एंड वी हैव क्यूट अली शरोज है, बलोच है, नफीस है, इसके अलावा जी हमारे साथ समीना वहीर है, दावर है, चुन्नी है, एंड अरसलान शाह है, विनय कुमार है, एंड रजिया सुल्ताना है, स्टार है, हुमा है, वानिया है, हमजा है, माहम है, खाकसार है, हामिद है, and we have Anisha, and we have Ibrar, and Sindhu, and Gattu, and we have Ilyas Israr, and Payal hai, and Kamran hai, Furkan Hussain hai, hamare saath Shiraz hai, Umair hai, Moizawan hai, Usman hai, and Zia Martungi. Very good, humne aapka bhi bahut shukriya. So, aap log hai, aaj ke finalist, bahut bahut mubarak ho aapko, ab tak ki trivia ka sabse lengthy, सबसे ज्यादा टाइम तक खेला जाने वाला आज का ये 100 सुपर ट्रिविजन है, बहुत मजा आया, यू गाइज आर रियली 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 ग्रेट, बहुत मजा आया, आप लोगों ने गेम खेला, बहुत मुबारक हो 322 रुपए जीतने के लिए।
इसी तरह खेलते रहिए और जीतते रहिए पाकिस्तान का पहला लाइव मोबाइल ऐप गेम शो। कल का शो रेगुलर शो होगा 20,000 रुपए के लिए, फिलहाल कल का हलवा लेते जाइए। तो मेरी जान अब तो मीठा बाकी में बनता है, तो कल का हमारा हलवा होगा रोलर कोस्टर, ठीक है। सो कल का हमारा हलवा है रोलर कोस्टर, यू 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 करती हुई जो रोलर कोस्टर है उससे रिलेटेड सवाल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, बहुत जबरदस्त खेला, इट वॉज रियली फन विद यू गाइस, हैव फन विद यू गाइस इन टुनाइट सुपर शो। अपना ख्याल रखिए, राणा बॉबी को अपनी दुआओं में और अपनी चाहतों में थोड़ा सा ऐसा जरूर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।